Bhai, which has been your highest point in your career and the lowest? Highest se shuru karte hain. Highest and lowest both belong to... मैं हूं सिद्धार्थ कनान, एक ही सुटके जरा हटके, और मेरे साथ है मेरा बचपन का दोस्त. दोनों एक दूसरे को टीनेजर के टाइम से जानते हैं और आज बड़ा फैशनेबल लड़का बन चुका है अमित त्रिवेदी के. जय हो, तालियां. और साथ में है बहुत ही इंटेलिजेंट. ओह, ये झूठ है. बहुत ही सेंसिटिव. ये भी झूठ है. बहुत ही इमोशनल. ये भी झूठ है. स्टाइल आइकॉन. यस, ये सच है. इरशाद कामिल साहब, तालियां. और इन्होंने मुझे ब्रेक देने की कसम खाई है बाहर कि मुझे थ्री हीरो प्रोजेक्ट में तीनों रोल्स मुझे ही देंगे. अतुल मंजरेकर साहब, तालियां प्लीज. अमित, हम लोग एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं. तूने मुझे टपली मारी है, मैंने तुझे टपली मारी. कहां टपली मारी है वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत दर्द होता है उस जगह पर. परंतु किंतु ये स्टाइल कैसे तुमने बदला अपने बालों का, दिखाओ ये कैसे हुआ. तुमने मोहतरमा ने कहा, इरशाद साहब ने कहा, अतुल ने कहा कि मैं तभी तुम्हारे साथ घूमूंगा जब तक कि तुम्हारा स्टाइल अच्छा हो, ऐसा बोला उन लोगों ने. ये पहला वाला मोहतरमा प्रेशर. हाँ, बीवी का प्रेशर था ये. मेरी बीवी मुझे चाहती थी कि मैं, वो बोर हो चुकी थी मुझे देख देख के उस वाले लुक में. तो शी वॉन्टेड टू चेंज, तो से प्लीज तो अपना चेंज, लुक चेंज कर प्लीज. तो मुझे बताओ, तुम्हारी बीवी तुमसे बोर हो चुकी है तो गाने गाते रहो ना उनके लिए. एक सिंपल फॉर्मूला यार. वो तो कर ही रहा हूँ, बट लुक की बात है. वो कान और आँख का चक्कर है. कान से तो खुशी है वो जो सुना रहा हूँ मैं, पर आँखों से शी बिकॉज आई डू स्टेज ऑन स्टेज. मैं कभी कभी कुछ रियलिटी शोज वगैरह कर लिया, तो शी से प्लीज यू नीड टू लुक प्रेजेंटेबल, यू नीड टू लुक गुड. मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे. तो वो मुझे माने बेसिकली वो चाहती है कि तुम सेक्स सिंबल बन जाओ फिल्म इंडस्ट्री के. राइट और रॉन्ग ब्रदर? हाँ, 100% टेक ओवर फ्रॉम इरशाद भाई. अरे वाह इरशाद भाई. yes. आपने कहीं कमेंट बोला है कि आई एम एक्चुअली अ क्लोज डोर रेबल. ये क्लोज डोर रेबल क्या होता है? एक रेबल होता है जो अड़ जाता है, लड़ाई कर लेता है, और एक क्लोज डोर कौन सा होता है? क्लोज डोर सारे जितने राइटर हैं, सब मेरे दोस्त जितने राइटर हैं, वो अमिताभ हो, कौसर हो, स्वानंद हो, मयूर हो, कुमार हो, जितने राइटर हैं या इससे पहले भी जितने राइटर हुए हैं, वो क्लोज डोर रेबल्स हैं. क्योंकि वो जो लिखते हैं ना, वो एक कोशिश ये करते हैं, क्योंकि लिखते हुए उनके अंदर एक अजीब किस्म की रेवोल्यूशन चलती है यार. भले वो रोमांटिक गाना हो, भले वो आइटम सॉन्ग हो, क्योंकि आपको वो करेक्टर बनना पड़ता है. तो माने सब बंद दरवाजों के बीच में होता है. यस, वो सारे लोग ये जिनके मैंने नाम लिए हैं ना, ये सब लोग हीरो से पहले ही अपने दरवाजे के, बंद दरवाजे के पीछे उस हीरोइन के साथ गाना गा चुके होते हैं. सिर्फ गाना गाते हैं ना, और कुछ नहीं ना भाई. आजकल सिर्फ बंद दरवाजों में क्या क्या होता है भाई? सिर्फ गाना ना सर. सिर्फ गाना सर. पक्का सर? पक्का. अतुल जी, मजा गया. कल अनिल कपूर थे हमारे साथ, वो आपके गुण गा रहे थे. डेब्यू फिल्म है, फट गई थी क्या क्या. ऐश्वर्या राय है, अनिल कपूर है, राजकुमार राव है, इरशाद है, और ये हसीन अमित है. ऐसा हुआ कि अपने माने पैंट ढीली हो गई, नाखून चबा रहे थे. हाँ, तो जब कोई एक्टर नहीं होता. हाँ, एवरीवन सच फैबुलस एक्टर्स. तो आई तो फटेगी क्या. आई वाज वेरी हैप्पी. आई डिडंट हैव टू डू एनी वर्क. दे ऑलवेज सो Amazing and good at their craft. तो जितने भी producers हैं, ये पैसे आप अतुल जी से वापस ले लिए. कुछ काम नहीं कर रहे थे, दिन भर बैठे थे यहाँ पे. और यहाँ मैं सोचा था पहली बार डेब्यू कर रहा, मेहनत कर रहा हूँ, ये क्या है, ये कुछ कर ही नहीं रहे थे क्या? कुछ नहीं. अच्छा भाई, इससे याद आया भाई, तुम्हारे 10 साल हो चुके इंडस्ट्री में, राइट? ताली बजाइए. अ डेकेड ऑफ अमित त्रिवेदी. हम लोग ने 2000 में एक दूसरे को टपली मारी थी. आज भाई, विच हैज बीन योर हाइएस्ट पॉइंट इन योर करियर एंड द लोएस्ट? हाइएस्ट से शुरू करते हैं. Highest and lowest both belong to Anurag Kashyap sir. Highest being Devdi, because that was my first film, and जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली, RD Bhavan Award मिला, National Award मिला, Filmfare Award, बहुत सारे awards मिले, और एक अलग किस्म की पहचान मिली इंडस्ट्री में. That was Anurag Kashyap film, और उसके कुछ सालों बाद आई Bombay Velvet, जो कि Anurag Kashyap film थी, which was my most favorite soundtrack, one of the most ambitious soundtrack, because jazz को हिंदी में इस तरह से I don't think आज तक इस तरह से किसने किया था. वो कोशिश एक की मैंने, और ऐसी फिर की बैठ गई कि डिप्रेशन और लोवेस्ट पॉइंट हो गया. तुम्हें डिप्रेशन से तो बाहर कैसे निकले? माने मेरा शक्ल देख रहे थे, इरशाद भाई के नए जैकेट देख रहे थे, क्या कर रहे थे? सी हमारा जॉब ही है, वी हैव टू कीप मूविंग ऑन, बिकॉज
we have do the next project, and every project, every filmmaker or every maker is expecting something out of you. आपसे कुछ expect कर रहे, and usually it is some magic only. So you need to snap out fast. You need to like rub it off and just keep moving on. So मैं तो वही करते आ रहा हूँ. उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में actually आई, कुछ successful रही, गाने successful रहे, कुछ flop रही, कुछ पिट गई बुरी तरह से. बट अब आदत सी हो गई है. बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम द मम्मी विल बी हिट मी द मोस्ट एक्चुअली. बट ऑल सेड एंड डन, तुम हमारे स्टूडियो में बैठे हो, फन्ने खान, अच्छे दिन आ गए भाई, अच्छे दिन आ गए फन्ने खान से, अच्छे दिन एब्सोल्युटली. इरशाद भाई, यू नो आप इंटेलिजेंट है, माने इतने अवार्ड ले चुके हैं, सुना कि आपके घर में जगह नहीं है, आप बाजू वाले के घर में रहते हो, इतने अवार्ड घर में आ गए, राइट है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अवार्ड के लिए बाजू वाली से भी अवार्ड लेते हैं. ये बताइए, कभी ऐसा होता है कि आपको दिल से बोलिए, नाम नहीं पूछूंगा, कोई आके बोलता है समोसे में आलू गाना लिख दो, ऐसा हाँ, होता है क्या आपके साथ अभी भी? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, अभी भी होता है. हाँ. और मतलब थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा, क्लोज डोल रेबेलियन वाली फील, वो फिर तब आती है, यार ये नहीं करना है, यार नहीं करना है, बोल देना है कि नहीं मेरे से नहीं होगा यार. और ऐसा हुआ है, और कई बार मैंने पिक्चर छोड़ी है वो समोसे के आलू के चक्कर में मेरे प्लेट से समोसा निकल गया यार. आते सीरियसली, मतलब मैं एक होता है कि आप किस तरह का लिख सकते हैं एक बात, और आप किस तरह का लिखना चाहते हैं वो दूसरी बात. लेकिन एक फोर्स्ड राइटिंग जो होती है कि नहीं, अच्छा ये इस तरह के जोन में लिख के देखो. मेरा एक जोन है, जैसे मैंने बड़ी देर पहले ये बात कही थी कि देखिए मुन्नी बदनाम मैं भी करूँगा, पर मैं अपने तरीके से करूँगा, मेरे रूल्स होंगे. बहुत बढ़िया. हाँ बट भाई ये अच्छी बात है. तेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर, यार सॉरी तुम खुद म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्टर तुम्हारे पास आके बोला ये गाना करना है, वो करना है, और तुम बोल रहे बेटा मैं हाँ बोलू नहीं, फिर पैसे की याद आती है, फिर बोलता है नहीं दिल नहीं मान रहा है, दिल और पैसे के बीच में लड़ाई होता है, पैसा जीतता है या दिल जीतता है, बता दे मेरे भाई. होता है ये डेफिनेटली होता है पर उससे ज्यादा मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगा उस चीज को लेकर. बट क्या होता है, डू रिफ्यूज द फिल्म, डू एंड अप डूइंग द फिल्म, और बोलते हो कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ या बीमार हूँ घर में? मोस्ट प्रॉब्ली मैं ऑनेस्टली मैं बिलीव करता हूँ, तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा, आई रिफ्यूज इट, बिकॉज मुझे वो डिली डेली करना पसंद नहीं है. मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं किसी को मना कर रहा हूँ, सामने वाले को बुरा लगेगा उस पल के लिए, बट आगे जाके लिए फॉर लॉन्ग रन इज गुड. बट मैं उसको लटकाते रहूँ और गलत करे काम करूँ और अलग तरीके से उसको रवि मंदिर रॉन्ग फूट, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार है. तो मैं पहले ही मना कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, फिर बाद में सब ठीक हो जाता है. पर एक चीज है, आप सब में, क्योंकि आप डेब्यू कर रहे हैं, यू आर डूइंग फिल्म्स व्हिच हैव हैड अ लॉट ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन. बॉम्बे वेलमेट भले ही ना चली हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ ग्रेट, व्हाट शुड आई से, एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन. एंड क्या स्केल पे था ऐसे? आपने ये कहा है इरशाद भाई कि आई हैव सॉलिड गुस्सा, ऐसा होता है इरशाद भाई? आप तो माने मुझे लग रहे जैसे कि आपको आतंक आए, वॉल्केनो आए, कोई कुछ भी कहे, आप तो हमेशा हाँ मेडिटेटिव जोन में रहते हैं. मतलब मैंने ही कहा ये? हाँ. तो बिल्कुल कहा होगा यार. और गुस्सा आता है, गुस्सा भी एक इमोशन है, जैसे मोहब्बत होती है मोहब्बत आती है, वैसे गुस्सा भी आता है. पर ये है कि मैं गुस्सा जिस तरह से सबको आता है उस तरह से मुझे गुस्सा नहीं आता है. मेरा गुस्सा रहने का, तो गुस्सा करने का तरीका ये है, मैं ज़्यादा अपने मतलब आउटस्पोकन होने की बजाय मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ गुस्से में. हाँ. और उस गुस्से से बहुत सारी चीजें निकलती हैं कैमरे थप्पड़ नहीं, अरे नहीं वो नहीं. हाँ, बहुत सारे इमोशंस, राइटिंग, बहुत सारी बातें निकलती हैं. जैसे एक मेरा पार्ट है जो लिटरेरी भी लिखता है. अरे वाह. हाँ. जो लिटरेरी लिखता है, तो लिटरेरी जब मैं लिखता हूँ तो वहां पे क्योंकि कोई चेक नहीं होता, वहाँ पे कोई उस तरह कमर्शियल प्रेशर नहीं होता, तो चेक नहीं होता, माने वो पैसे वाला चेक की बात कर रहे हैं कि CHECK, वो चेक होना जरूरी होता है भाई, CHEQUE. मैं CK वाला चेक कह रहा हूँ. अच्छा, CK वाला. हाँ. तो आप अपनी तरीके से कुछ चीजें लिखते हैं, तो वो मैं अपना गुस्सा अपनी राइटिंग्स में, अपने लिखने में, अपने लफ्जों में उसको एक्सप्रेस कर, चैनलाइज करने की कोशिश. तो अभी अगर आपको गुस्सा आ रहा है मेरे पे, आप माने चैनलाइज करेंगे इन राइटिंग? यस, इन शॉर्ट. यस, सिद्धार्थ कमीना, हाँ लुच्चा, यही ना मनी मन में यार इरशाद भाई. अतुलिया, यू नो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू आउटसाइड, जब ये लोग हमारे फ्री का खाना खा रहे थे, अमित और इरशाद भाई,
प्लेट में टूट पड़ रहे थे जब, तो आप मुझे कह रहे थे ये आपकी पहली फिल्म है, आपने बहुत सारे एड्स किए हैं, हैव यू ऑल्सो हैड अ फन्ने खान इन योर लाइफ हु सेड अब एड्स बहुत हो गई भाई, अब तुम फिल्में करो, माने बी ऑन द बिग स्क्रीन वेयर पीपल आर विसलिंग एट यू और एट योर वर्क? Think that everyone's a funny guy. It's somewhere down, deep down, you know. Someone, just that they haven't made it. You know, so I think any funkar or artist who's not made it is a funny guy. For me. So, yeah, I think everyone, my dad, my mother, you know, yeah, my brother, everyone is a funny guy for me. Mane, tumko motivate kiya ki bhai ab ad film se 200 crore mat kamao, ek film banao. 200 करोड़ मतलब मुझे लगता है फिर तो यार इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, 200 करोड़ आ रहे थे, 200 करोड़ एडवर्टाइजिंग. बट यू नो व्हाट, लॉट्स ऑफ लव टू योर होल फैमिली, ताली बजाइए, फैमिली हमें बनाती है. या सर राइटर्स ब्लॉक होता है आपको? माने हमको लगता है कि इरशाद कामिल को कभी राइटर्स ब्लॉक हो ही नहीं सकता कमबख्त, माने भगवान ने ऊपर से नीचे कनेक्ट कर दिया टू योर कलम. नहीं, राइटर्स ब्लॉक होता है, और उससे मुझे लगता है कि होता क्या है, राइटर्स का लिखते लिखते कई बार ना अचानक से जिसे हम राइटर ब्लॉक कहते हैं, वो जिस तरह का आप लिखना चाहते हो, जिस स्टैंडर्ड में आप लिख रहे हो या जिस एरिया में आप काम करते हो, आपसे नहीं होता. मे बी आप थोड़े थक गए हो, मे बी आपको ब्रेक चाहिए होता है, तो ये बिल्कुल होता है. और इससे फाइट करने का तरीका मेरे पास यही है कि आप लिखो, भले आप घटिया ही लिखो, किसी को ना दिखाओ, किसी को ना बताओ, बट यू कीप ऑन राइटिंग. माने अच्छा भी ना हो पर तब भी लिखते रहो, लिखते रहो. क्या बात है.